बांसवाड़ा में दो कोरोना पॉजिटिव मिले। आपको बता दें, पिता और पुत्र दोनों ही कोरोना के पॉजिटिव बांसवाड़ा में पाए गए। दोनों कुशलगढ़ कस्बे के निवासी हैं। पिता की उम्र 55 साल है और 16 साल का बेटा बताया जा रहा है, जो कि कोरोना पॉजिटिव है। कुशलगढ़ कस्बे में इसके बाद में कर्फ्यू लगा दिया गया। दोनों मरीजों को उदयपुर रेफर कर दिया गया। आपको बता दें, 3 दिन पहले महिला की भी मौत हो चुकी है। महिला का पति और बेटा भी अब कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कुशलगढ़ कस्बे में दो मरीजों के पाए जाने के बाद में कर्फ्यू लगा दिया गया। 55 साल के एक व्यक्ति तथा उसी के 16 साल के बेटे को, दोनों को कोरोना पॉजिटिव यहां पर बताया गया है। इसके बाद में पूरे क्षेत्र में एहतियात के तौर पर कर्फ्यू चस्पा कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान सभी कुछ बंद है यहां पर, और स्थिति को आगे नहीं बढ़ने से रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। 55 साल के पिता और 16 साल का बेटा बताया जा रहा है, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में। दोनों मरीजों को जांच के लिए और आगामी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। बेहतर वहां पर उनकी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उदयपुर उन्हें बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से रेफर कर दिया गया है। 3 दिन पहले बताया जा रहा है कि एक महिला की भी मौत हो गई। महिला का पति और बेटा भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार प्रदेश में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इसी की एक झलक आप देख सकते हैं आपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर, किस प्रकार से क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। दो नए कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 55 वर्षीय एक व्यक्ति तथा उन्हीं के 16 वर्षीय बेटे को कोरोना पॉजिटिव मरीज मानकर उदयपुर आगामी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अब रेफर कर दिया गया है। पूरे क्षेत्र में एहतियात के तौर पर कर्फ्यू, तस्वीरों में देख सकते हैं आप, कुछ भी यहां पर शुरू नहीं है। सभी लोग अपने घरों में हैं और लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है कि अपने घरों में ही रहें, क्योंकि घरों में जब तक है तभी तक सुरक्षित है।